नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं गोभी का पराठा, जिसके लिए हम लोगों ने पहले कढ़ाई चढ़ा दिया। कढ़ाई गर्म होगा, उसमें हम सरसों का तेल डालेंगे, क्योंकि हमें पहले फ्राई करना है गोभी को। सरसों का तेल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज कटा हुआ, मिर्च कटा हुआ, अदरक कटा हुआ, और ये सब चीज़ हम डाल के, और लहसुन भी है। इस सभी चीज़ों को डाल के अच्छे से भून लेंगे। अच्छा खासा सुनहरा रंग होने तक इसे भूनेंगे हम, गोल्डन होने तक। जब ये देखिए, जब ये भून जाए बढ़िया से, देखिए हमारा भून गया अच्छे से। अब हम इसमें कटा हुआ गोभी, हल्दी और नमक, ये तीनों चीज़ मिला देंगे। गोभी को आप एकदम छोटे छोटे पीस में कर लीजिएगा तोड़ के हाथों से, फिर इसे भी अच्छे से भूनेंगे। कोई एक्स्ट्रा इसमें मसाला नहीं डालना है, पहले इन्हीं सब चीज़ों के साथ इन्हें भूनना है। प्याज, अदरक, लहसुन, हल्दी और मिर्च के साथ इसे लगातार चलाते रहिएगा, नहीं तो ये चिपक जाएगा। इसे करीब मीडियम आंच पर 10 मिनट तक लगातार चलाते रहना है। देखिए हम ढक दिया था बीच में, और देखिए ये भी अच्छे से भून चुका है, जैसा कि देख सकते हैं। पूरी अच्छी तरह से गोभी को हम लोगों ने भून लिया है। अब इसमें हम लोग कुछ कुछ चीज़ ऐड करेंगे, जैसे कि अजवाइन, ये कलौंजी इसे कहते हैं, काले कलर का रहता है। फिर और इसे मिला देंगे। अब इसे हम लोग एक बाहर थाली में निकाल लेंगे। वो काला कलर का जो था उसे कलौंजी कहते हैं बहुत सारे जगहों पर, और बहुत सारे जगहों पर उसे मंगरेला भी कहते हैं, इसलिए उस चीज़ में कन्फ्यूजन मत होइएगा। अभी एक थाली में हम लोग निकाल लिए। अब तवा हम लोग गर्म होने दे दिए, और आटे की ऐसे करके गोनी बना लेंगे, और बढ़िया से इसमें चम्मच से गोभी को भर देंगे। उसके बाद कुछ इस तरीका से इसे बंद करना है, देखिए अच्छा से बंद हो गया, पूरा अच्छा से इसे पैक कर देना है। अब इसे हल्का सा सूखा आटा में एक इसके ऊपर लगा के इसे अच्छे से हाथों से फैलाएंगे। ध्यान रहे ये फटे नहीं। जब इसे हाथों से हम लोगों ने फैला लिया, जब तक तवा गर्म होता है तब तक हम लोग दूसरी भी गोनी बना लेंगे। देखिए हमारा गोनी बन गया, इसे भी अच्छे से हाथों से हम लोग फैला लेंगे। अब क्या करेंगे, जिसे हम लोगों ने पहले पूरी तरह से हाथों से फैलाया था, अब उसे बेलन की सहायता से थोड़ा बहुत बेल भी लेंगे, ताकि पतला हो जाए, क्योंकि मोटा रहेगा आटा तो वो पकेगा नहीं, तो मज़ा नहीं आएगा। अब ये दूसरा भी हमारा तैयार हो गया। अब तक देखिए पहले वाले को हम लोगों ने चढ़ा के रखा है पकने के लिए।
पहला वाला अब लगभग आधा पक गया है। अब हम इसे सरसों का तेल डालेंगे इस पे ताकि ये पराठा पूरा बन जाए। अच्छे से सब तरफ इसे तेल लगाएंगे और पकाएंगे इसे बढ़िया से, अच्छा से क्रिस्पी होने तक इसे पकाएंगे ताकि ये पूरा पराठा बन जाए। ये देखिए कितना अच्छा कलर इसका आ गया है निकल कर, और कहीं से भी ये फटा नहीं है। ये देखिए बन गया। अब हम दूसरा भी इसके ऊपर चढ़ा देंगे बनने के लिए। तब तक हम लोग तीसरा के लिए ये करते हैं। ये देखिए दूसरा भी पक गया है लगभग लगभग। अब इसे भी पराठा का शेप देंगे हम लोग, और हम लोग पराठा का शेप देने के लिए सरसों का तेल यूज कर रहे हैं, तो सरसों का ही तेल यूज करना चाहिए। सरसों का तेल से उतना ख़राबी नहीं होता है जितना कि रिफाइन से हमें होता है। ये देखिए ये भी पराठे का अच्छा खासा शेप ले लिया है, और ये भी कहीं से फटा हुआ नहीं है। तो हमारा गोभी का पराठा बनकर तैयार हो गया है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।